जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसमें संभागीय परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को जिलाधिकारी के विजयन पांडियन द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया तथा यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विजय प्रतिभागियों व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह और जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, तो महिला तो हमेशा से असुरक्षित रही है। असुरक्षित रही है, आखिर क्यों क्यों असुरक्षित रही है? अगर हम आदमियों की बात करें तो क्या वो असुरक्षित है? अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो क्या वो ये सोचकर जाते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसे अंदरूनी घटना हो जाएगी जिसकी वजह से मैं अपने समाज में अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा? नहीं महोदय, वो कभी भी अपने दिमाग में इस बात को नहीं लाते हैं। आखिर क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो एकदम शक्तिशाली हूँ, मुझे तो कोई कुछ कहना तो दूर मुझे छू तक नहीं सकता है। पर एक महिला अपने मानसिक रूप से ये सोच लेती है कि मैं दुर्बल हूँ, मैं पुरुषों की बराबरी तक नहीं हूँ, इसलिए वो ये मानसिकता लेकर के बाहर निकलती है और उसके साथ ऐसी अंदरूनी घटना हो जाती है जिसके बाद वो समाज में मुंह नहीं दिखा सकती है। यातायात के नियमों एवं संकेतों के बारे में जानकारी न होना या होते हुए भी उसे अनदेखा करना, दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाने पर उसका इलाज न करवाना बल्कि उसका वीडियो बनाना, इन सभी कार्यों के कारण आज का फैशन इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल चुके हैं और सड़क पर जाती हुई महिलाओं को देखते हुए चलते हैं, अर्थात कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना चलाते हैं और सड़क हादसे की शिकार हो जाते हैं। मैं उन बच्चों के जन्मदाता एवं जन्मदात्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बच्चों को उपरोक्त लापरवाहियों से सतर्क करें, क्योंकि जिस प्रकार एक आकर्षक कदम इनके तो चार रूप है माता बेटी बहन, इनके तो चार रूप है माता बेटी बहन, इनके तो चार रूप है माता बेटी बहन, माता बेटी बहन, और पत्नी का सानिध्य जताती है नारियां, और पत्नी का सानिध्य जताती है नारियां, इनका कुसूर वारी सारा समाज है, इनका कुसूर वारी सारा समाज है, इनका कुसूर वारी सारा समाज है, सारा समाज है, जिल्लत की जिंदगी को बिताती है नारियां, आज अपना नैन चुराती है नारियां, सुंदर समाज देश की भूषण है नारियां, जिस हाथ में मेहंदी रची उस हाथ से एक दिन, जिस हाथ में मेहंदी रची उस हाथ से एक दिन, जिस हाथ में मेहंदी रची उस हाथ से एक दिन, उस हाथ से एक दिन, नव दुर्गा का समाज देश की भूषण है नारियां। शासन के तीन कार्यक्रमों को
जोड़कर एक आयोजन किया गया। सबसे पहला कार्यक्रम चूंकि संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय ने मुझे आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले इनका कार्यक्रम सड़क सुरक्षा सप्ताह। यहाँ पर ज्यादातर श्रोतागण में स्कूल के बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं और स्कूल के बच्चों को मुझे नहीं लगता है कि अब बताने की आवश्यकता है कि उन्हें यातायात के किन नियमों का पालन करना चाहिए। सभी को यातायात के नियम मालूम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी लापरवाही में, कभी कभी शेखी बगाड़ने में और कभी जानबूझकर भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सिपाही या कोई परिवहन विभाग का कर्मचारी खड़ा नहीं है जो इन नियमों का पालन करवाए, तो हम भूल जाते हैं और हम जानबूझकर भी इन नियमों का पालन नहीं करते। अगर चौराहे पर कोई सिपाही नहीं खड़ा है तो हम बड़े आराम से बिना हेलमेट के निकलते हैं और शुक्र बनाते हैं कि चलो अच्छा है कोई सिपाही नहीं खड़ा है, हमें हेलमेट नहीं पहनना पड़ रहा है। ये बड़ी ही, इस पर सोच कर देखिए कि ऐसा करते वक्त हम किसका नुकसान कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये बात आती होगी, ठीक है दुर्घटना तो नहीं हुई ना, हम इतने दिन से चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, दुर्घटना तो नहीं हुई ना, ये भावना भी आ सकती है। दुर्घटना एक ही बार होती है, लेकिन उससे बचाव व्यक्ति को प्रतिदिन करना है। ये भावना, ये विचार अगर मस्तिष्क में आ रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। परेशानी ये नहीं है कि नियम लोगों को नहीं मालूम, नियम सभी को मालूम, परेशानी ये है कि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को प्रेरित करना तो अगली सीढ़ी है। तो मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जब इनके बड़े भाई अपनी बाइक लेके घर से निकलते हैं तो उनको टोकें कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो ड्राइविंग के लिए इनके घर से बाहर निकलता है और आपको मालूम है कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनको टोकिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। उनको इतनी बार टोकिए कि उनको ये महसूस हो कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसमें व्यक्तिगत निर्णय काम नहीं आते, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह काम नहीं आते, व्यक्तिगत जिद काम। तो क्या मैं बच्चों से ये उम्मीद रखूं कि कम से कम स्वयं, हालांकि अधिकांश मुझे इस उम्र के नहीं दिखाई दे रहे हैं जो स्वयं गाड़ी चलाए, तो स्वयं और अपने घर वालों को ये प्रेरित जरूर करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करिए, इसी में आपकी सुरक्षा है और समाज की सुरक्षा। आज वैसे एक सप्ताह समाप्त हो जा रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए हर साल हम लोग मनाते हैं, उसको शुरुआत एक सप्ताह पहले हुई थी, आज उसका समापन के तौर से चल रहा है। उसके साथ साथ मैडम ने अच्छा काम किया तो और भी दो बहुत महत्वपूर्ण जो बातें चल रही है उसको भी शामिल कर लिया। महिला मिशन सशक्तिकरण का जो चल रहा था, मिशन शक्ति अभियान 180 दिन चलेगा, यानी 6 महीने के पहले बार भारत में ऐसे कोई अभियान चल रहा है लगातार 6 महीने केवल एक ही फोकस में, यानी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में चल रहा था। इसलिए जो भी इस समय में जो कार्यक्रम होता है उस पर एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उसका होता है। तीसरा तो कोरोना अभी भी जारी है, देख ही रहे हैं आपको, सेकेंड वेव का आशंका है, उसी दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले मैं इसी आपको विभाग का मैं अटेंड करने चाहता हूँ, जो तब मैं बैठा हूँ
आप भी देखे होंगे, हमने लगातार फोन अटेंड करा था। ये घंटे पहले एक दुर्घटना हुई थी सहजनवा में, एक राशन डीलर है बाइक में गया था, कोई ट्रक मार दिया, मर गया। दो लोग, दो गांव वो लोग इकट्ठा होकर के वहाँ चक्का जाम लगा रहे हैं। मेरे SDM साहब मौके पे गए, तो ठीक है जो भी डिमांड है वो तो हम तो करेंगे, बट जान तो हम वापस नहीं दे सकते किसी को। अब एक घंटे के पहले गए, दो घंटे पहले मैं जिला अस्पताल में गए थे इंस्पेक्शन में, वहाँ से आया था सीधे यहाँ। वहाँ हमने देखा था ऑर्थोपेडिक वार्ड में 36 मरीज हैं, 36 लोग अपने, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, दो दिन के अंदर भर्ती हुए थे। अब सभी लोग का वापस वो अंग भी हम नहीं दे सकते, सब लोग सड़क दुर्घटना से ग्रस्त हुए, ऐसे कोई अनाथ लोग भी है, बुजुर्ग लोग भी है, महिला लोग भी है, छोटे बच्चे भी हैं। अब ये कहीं ना कहीं लग रहा तो इसका दोषी कौन है? अभी ये तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमारा आदत का एक कहेंगे तो गिफ्ट है। यानी जो सतर्क रहता है, थोड़ा भी दिमाग लगाता है भाई, तो देखिए सड़क सुरक्षा मतलब तो आप घर के बाहर आ जाते हैं तो केवल आपका जो केयरलेसनेस है, आपका जो सावधानी है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपके कैसे किस समय में कौन सामने आएगा वो नहीं पता है। इसलिए तो केवल एक एक व्यक्ति सुधारने में तो सही नहीं होगा, तो हम लोग के साथ साथ समूह को भी ध्यान देना पड़ता है, उनको भी सुधारना पड़ता है। जाने अनजाने में बेचारा तो बाइक सवार जाता है, छोटे बच्चे लड़के जो भी जाते हैं, पीछे से ट्रक मार देता है, सामने ट्रक मार देता था, नहीं तो कहीं से कोई आदमी आकर घुस जाता। ऐसे घटना तो मामूली हो गया, आप पेपर देख सकते हैं और फेसबुक देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, ऐसे कोई दिन नहीं गुजरता है बिना कोई घटना इसी जनपद में हुआ हो। अंडा भी देखिए तो कोरोना का धन्यवाद भी देना पड़ता है, पिछले 8 महीने हम लोगों का रोड एक्सीडेंट बहुत कम हुई थी। अब इस बार कंपेरेटिवली पिछले साल से हम लोग को रोड एक्सीडेंट नहीं था, ताकि लॉकडाउन था और उसके बाद अनलॉक हुआ था, धीरे धीरे तो वातावरण बढ़ी है, बट अभी फिर वो पटरी पे आ गया सेम चीज। कितने भीड़ है, भीड़ के साथ साथ दुर्घटना भी बढ़ी है, लोग मौत होने जा रहे हैं और बहुत लोगों का चले जा रही है। और इस पर तो अभी परसों मीटिंग था, उस पर 258 लोग का हम लोग कृषि दुर्घटना का दिए थे, इसमें भी ऐसे ही लोग हैं, मतलब पिछले 3 महीने के अंदर इतने तो हम लोग सरकार 5 लाख रुपया का मदद की योजना चलता है, जिससे कृषक कोई दुर्घटना में मरता है तो उनका सरकार 5 लाख रुपया देती है। उसके अलावा विभिन्न सेगमेंट है, एक साल में आप गिनेंगे तो हमारे जनपद में कम से कम तो कहीं ना कहीं 500 लोग मरते हैं, और उस पर कुछ लोग का जो फिर परमानेंट डिसेबल भी हो जाते हैं, जो वैसे हो जाता है बेड रिडन हो जाता है, मतलब वो मरने से बहुत बुरी हालत में हो जाता है, ताकि पूरी जिंदगी आप किसी न किसी का भरोसे में रहना पड़ता है। और वो भी जो मरने वाले देखेंगे बहुत दुखद घटना है, इस पर पूरा वैसे नौजवान लोग मरते हैं, ज़्यादातर 2-व्हीलर चलाने वाले। इसलिए तो नगरायुक्त साहब ने भी एक बात बताया, हेलमेट पहनने ये सरकार क्यों ठोकती है? आप लोग नाराज होते हैं, आप लोग पुलिस और जो ट्रैफिक प्रशासन तो ठोकता है, तो भाई तो हमेशा आप लोग आरोप लगाते हैं, देखो पैसा वसूलने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए उनका एक मैंडेट है आपका जान बचाने के लिए, आप लोग उसी दिशा में नहीं देखते हो, क्यों बार बार ठोका जा रहा है आप लोग हर गली में हर नाले में? छोटी सी चीज़ है हेलमेट, बट आपको पता है तो इस पर जो मरे हैं, कितने लोग मरे हमने गिना है, 500 लोग जो हर साल मरते हैं, इस पर 90% लोग 2-व्हीलर वाले मरते हैं, ताकि आप तो बिल्कुल बिना प्रोटेक्शन के हो, मतलब एक तरफ आप बैठे हो ऊपर, देखिए तो ये जो बेसिक चीज है आपका हाथ भी एंगेज रहे, पैर भी एंगेज रहे। देखिए तो ये आदमी तो सर पे मारने के लिए आता है ना, पहले हमारा हाथ ही बचाने के लिए जाता है, तो हाथ तो वहां लग गया आपका हैंडवैन में, तो बचाने के लिए कोई नहीं है। हल्की सी भी जरा आप बैलेंस बिगड़ता है ना, तुरंत आपको नीचे गिरेंगे, सर पे ही लगेगा, और सर पे एक बार हो जाता है तो दुनिया में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है बचा पाएंगे। आधे घंटे के अंदर यदि आपको ट्रॉमा सेंटर नहीं पहुंच पाता है, आपका खून इतने बह जाता है, तो बचाना मुश्किल हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसे कंडीशन में मिलते हैं, हम यहाँ से कहीं लखनऊ बहुत जगह ढूंढते हैं बचाने के लिए, फिर भी नहीं हो पाता, मतलब ये कहीं ना कहीं जानबूझ करके किसी का छोटी सी गलती की वजह पूरा परिवार उसका बोझ उठाता है। किसी घर में ऐसे कुछ हो जाता है बहुत दुखद घटना होता है, वो परिवार का मान लीजिए कोई रोटी अर्जेंट मरता है, उनका विधवा महिला क्या करेगी, उनका बच्चे कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, और ज़्यादातर किसी कैटेगरी में मरते हैं, बहुत दुखद बात यही है, ताकि उन्हीं लोगों को मजबूरी होता है काम में जाने के लिए, उन्हीं लोगों को मजबूरी होता है कहीं बाहर जाके कमाना है, तो शाम को आकर के आपने पैसा लौटाना है, थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाता है, आज तो सब लोग बाइक खरीद लेते हैं,
ताकि तो आप तो 30,000 से शुरुआत हो जाता है, एक एक ऑफर हर त्योहार में आपको मिल जाता है। आपको पता है गोरखपुर में 10 लाख के आसपास का बाइक है, टोटल 60 लाख जनसंख्या में 10 लाख हमारा बस केवल टू व्हीलर रजिस्टर्ड, और बाकी जनपद बाहर से आने वाले की संख्या अलग है और फोर व्हीलर की संख्या अलग है। मेरा चिंता है खासतौर पर टू व्हीलर के ऊपर है, ताकि तो ठीक है आप टू व्हीलर ले लीजिए अच्छी बात है, ताकि आपका मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप काम के लिए पढ़ाई के लिए किसी चीज़ के लिए आपको तो जाना होगा, हर बार आप किसी का भरोसा में नहीं रह सकते हैं, बाहर जाना तो आपका आज़ादी है, बट आज़ादी ऐसे नहीं है तो आपको जानलेवा हो और लोग का भी जानलेवा हो। मैं अनुरोध करता हूँ, इसमें बहुत साथियाँ इस समय में स्कूल में होंगे कॉलेज में होंगे, अब देखिए यथासंभव अभी कितने बड़े बड़े देश है सब लोग इस पे आ गए, नॉर्मल बाइसाइकिलिंग में आ गए, नॉर्मल पैदल दूरी पे आ गए, थोड़ा उसको भी आदत डालना पड़ेगा उनका, ये शरीर के लिए भी और आगे आने वाले पीढ़ी का हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसा है बस शो ऑफ करोगे, आपके पास इतनी गाड़ी है पल्सर है सारी चीज है, ये भी होता है, होते हुए आप कितने सरल जिंदगी जीते हो उस पर जोर दीजिए आप, तो एक घंटे दो घंटे पैदल जाइए अच्छी बात है आप शरीर के लिए, आप इस समय में क्या क्या बीमारियां आ गई उस पर, और साइकिलिंग कराइए बहुत अच्छा शहर के लिए बहुत अच्छा वो फायदा वाले है। किया गया किस चीज़ में आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था क्या था? मैंने मिशन शक्ति द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था मिशन शक्ति जो नवरात्रि की शुरू किया गया, तो उसी के पक्ष में मैंने उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए मिशन शक्ति के बारे में मैंने वहाँ पर भाषण दिया, लोगों को बताया कि महिलाएँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, वो हमारे जीवन को मतलब कैसे आगे बढ़ा सकती है और हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसी के बारे में मैंने आज यहाँ पर भाषण दिया। आज आपको किसने सम्मानित किया? और मुझे इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया भाषण के विरुद्ध, मतलब भाषण मैंने दिया उसके मुझे सम्मानित किया, मैं बहुत ही मतलब खुशी प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे इसके लिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ कहना चाहेंगे डीएम सर? जी बिल्कुल सर, मैं डीएम सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, यहाँ पर खड़ा होकर मुझे बोलने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सबको सभी महिलाओं को बताया कि हमारा भी हम भी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अग्रसर हो सकते हैं और कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, महिलाओं को मैंने ये बताया। मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है, मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर छात्र हूँ, मैं 11th M3 में पढ़ता हूँ। आज डीएम सर के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया है? जी सर। किस चीज़ के लिए? डीएम द्वारा। किस चीज़ के लिए आपने भाग लिया था प्रतियोगिता में? मैं भाषण प्रतियोगिता के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह पर लिया था और उसी पर मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। कौन सा स्थान आप पाया था? मैं प्रथम स्थान पाया हूँ। किसने आपको सम्मानित किया? मुझे
इस गोरखपुर के जिला जज द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ कहना चाहेंगे डीएम सर के लिए? आपको बोलने का मौका मिला? हाँ, मौका मिला है, लेकिन मैं उनको सम्मान से आदर से प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और हमारे गोरखपुर जिले के लिए सुधार के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं अपने समय में, और उन्होंने सचेत किया है लोगों को कि मास्क पहने, नियंत्रण उन्होंने किया है, कोविड हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और स्वयं में सुधार कीजिए। आप सुधरेंगे तो सभी लोग सुधरेंगे, आपको देखकर आपसे छोटा जो बच्चा है वो भी आपसे सुधरेगा। इस प्रकार हम छोटे बच्चों से ही एक युवा का निर्माण, एक युवा बनता है और एक युवा से ही एक देश का निर्माण बनता है। इसलिए हमें पहले घर में माताओं द्वारा या उनके पिता द्वारा बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देना चाहिए। इसी पर मैं अपनी माइक दूंगा। परिवहन विभाग की तरफ से तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जो 18 तारीख से 24 तारीख तक था। आज अंतिम दिन था, जिसमें हम लोगों ने कल कुछ विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, मिशन शक्ति और कोविड-19 का विषय दिया था, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया था और उनके विजयी प्रतिभागियों को आज हम लोगों ने डीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय और एसपी साहब से उनको पुरस्कार वितरण का समारोह आज हम लोगों ने आयोजित कराया है। कुल 12 लोग थे। हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता में और चित्रकला प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों में कराया था। उसमें लड़कियां भी थीं, 6 लड़कियां थीं और 3-4 बच्चे थे, लड़के थे। उन लोगों को हम लोगों ने जो है पुरस्कृत किया गया है। हाँ, देखिए आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन है, इसमें जो कितने बच्चे हैं सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल किए थे, बहुत अच्छा प्रदर्शनी किए थे, उन्हीं लोग को हम लोग पुरस्कार किए थे। तकरीबन 15 बच्चे का हम लोग पुरस्कृत किए थे। उसके अलावा कोविड के संबंधित और जो महिला सशक्तिकरण संबंधित टॉपिक को भी सुबह कार्यक्रम हुआ था, तो सभी बच्चे का पुरस्कार किया, जागरूक किया गया, जागरूक कराया गया।